सर क्या आप सच में मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं? आप वहां नौकरी करते हैं क्या, या फिर अपना इलाज कराने जा रहे हैं? बताइए ना सर। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वैसे आपको देख के तो नहीं लगता कि आपको इलाज की जरूरत है। कहीं आप डॉक्टर तो नहीं है जो वहाँ चेकिंग के लिए जा रहे हैं? खैर जो भी हो सर, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, वो जगह बहुत अच्छी नहीं है। वो शैतान का किला है। अरे बाप रे, कितनी ठंड है। वो लल्लू भी जल्दी नहीं आ रहा है। भगवान बचाए, इसकी खटारा गाड़ी के भरोसे रहना पड़ता है। आ गया लल्लू लाड। क्या कर रहा है? दिखता नहीं है क्या? रह गया था यार, तुझे टाइम की वैल्यू नहीं है। ठंड से मेरे पांव जम गए, कब से खड़ा हुआ था मैं वहां पर। अरे आने में तो वक्त लगता है ना। इतना वक्त कैसे लग गया? मेरे बारे में भी तो सोचता। एक हफ्ते के पेपर है क्या? पांच दिन का पेपर है। अगर ये सिर्फ पांच दिन के हैं तो फिर ये ले। कौन पढ़ने वाला है? अपना सुट्टा मार और निकल ले। सर सर, आपकी मंजिल आ गई, यहाँ उतर जाइए सर। वो देखिए, वो आदमी भी उसी जगह पे जा रहा है, उसी के साथ चले जाओ। मुझे सीधा जाना है। हैं? उतरिए सर। पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। सुनो भाई। कौन हो भाई? यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है क्या? इस रास्ते से दिख नहीं रहा ये कैसा रास्ता है। यहाँ कौन गाड़ी लेके आएगा? यहाँ तो बस एक ही चीज है और वो है मेंटल हॉस्पिटल। वहाँ तक गाड़ी तो पहुँचती है लेकिन बहुत घूम कर जाना होता है, और ये तो शॉर्टकट है, रास्ते में नदी भी पड़ती है। अरे राम, नदी के पार एक पहाड़ी पड़ती है और उसे पार करने के बाद एक और पहाड़ी आती है और उसके बाद आप पहुंच जाते हो। आ जाओ, वहां पहुंचने में बस एक ही दिक्कत है, एक बार वहां पहुंच गए तो वहां चाहे आप मर भी जाओ किसी को पता ही नहीं चलने वाला है। डर गए ना? डरो मत, मेरे साथ आ जाओ, चलते रहो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो एक पुराने राजा का था, लेकिन उस फ्रॉड डॉक्टर ने सारा का सारा अपने नाम करवा लिया। वो क्या इतना बुरा है? और क्या, वहाँ जो भी लोग लाए जाते हैं बहुत अच्छे घरों से होते हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए खतरनाक डॉक्टर और उसके साथी हैं। पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पर, बाकी तुम खुद ही देख लेना। अरे भाई, अकेला मैं ही हूँ जिसे बाहर की दुनिया देखने को मिलती है, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। मैं अकेला इन जगहों से ये सारा तामझाम लेके गुजरता हूँ, और उन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करना ही मेरा काम है, यही लिखा है मेरे भाग्य में। ये काम करने की तनख्वाह तो तुम्हें अच्छी मिलती होगी। हाँ मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, ऐसी मिलती है कि सीधे पेट पर लात पड़ती है। अरे रे रे,
क्या बताऊं भाई, मेरी तो उस डॉक्टर की हिंदी गालियां सुन सुन के पेट भर जाता है। और जो गालियां अंग्रेजी में देते हैं वो ऊपर से निकल जाती है। आओ संभल के, कहीं फिसल मत जाना। अरे सर, मैं तो पूछना ही भूल गया, आप इस तरफ कहाँ जा रहे हो? जहाँ ये रास्ता जाता है। हैं? मतलब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, यहाँ के विकास से जुड़ी सरकार ने जानकारी के लिए भेजा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? एंथोनी। अरे बाप रे बाप। अच्छा एंथोनी। हाँ बोलिए। यहाँ इलाज की सुविधाओं के बारे में जरा बताओगे? इलाज की सुविधाएं तो बहुत अच्छी है सर। अच्छा, इसीलिए यहाँ के मरीज अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियों का भी पता नहीं चलता है। खैर जो भी हो, अच्छा हुआ कि तुम मुझे पहले ही मिल गए, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंथोनी, चटिल चटिल है ये, लगन लगी रे यदि फिर ना मुश्किल है ये। निडर निडर है वो, डर है उसे ना कोई, सीमा पे है लड़ता वो फिकर उसे ना कोई। वो है आवारा हवा, रोके से वो ना रुका, आंधी सिद्धि है वही, चला तो सपने उड़ा। है आग सीने में और लक्ष्य है आंखों में रब का, अकेला ही वो बंदा है लाखों में सीना, पहाड़ों का भी वो चीर, आगे बढ़े अपने उसूलों की ही खातिर, सदा वो लड़े आंखों में आंखें डाले, मुश्किल हजारों ऐसी पीछे हट जाए सुन के दहाड़ है शेरों जैसी। प्यार का करम
बेटी जरा मेरे पास तो आना, कितने समय से तुम्हें नहीं देखा। पता है कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा। आखिर तुम इस लॉकअप में क्यों बंद हो? तुमने किसे मारा था? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनों की नजर से बच के आना पड़ा है। जरा पास तो आओ बेटी, तुम्हें ये चंदन लगा दूँ। कौन? डॉक्टर एम के नायर, मूलदत्त कन्ना नायर, साइकेट्री डिपार्टमेंट, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज। सरकार के निर्देशानुसार मुझे इस जगह की जांच के लिए भेजा गया है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं सर, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे, कब और कहाँ? इस क्षेत्र में आपको कौन नहीं जानता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। मैडम तुम हमें कैसे जानती हो? मैं रेणुका हूं, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हर जगह ऐसा एक शख्स होता ही है। डॉक्टर कहाँ है? आइए सर ऑफिस में चलिए। कमलांटी मर गई मैडम, कमलांटी मर गई, मर गई क्या कमलांटी? मर गई। हे जीवन, प्लेजर मीटिंग यू मैन। सर ये एक पेशेंट है, मैं जरा इसे हैंडल करती हूँ। ये कौन है, इनके बारे में बताया नहीं मैडम आपने, ये कौन है वो? चलो जल्दी। हे तुम यहाँ किस काम से आए हो? अच्छा होगा खुद ही चले जाओ। नहीं गया तो? मार दूंगी, मार कर दफना दूंगी। ये बात नोट कर लो, बस 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। जिस मकसद से तुम यहाँ पर आए हो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, जल्दी ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। सॉरी डॉक्टर, चलिए। हे भगवान, हवेली इतनी बड़ी है लेकिन रास्ता इतना पतला, और इन रास्तों से बस मुझे ही गुजरना पड़ता है, और पता नहीं मुझे कब तक ये करना पड़ेगा। अरे अब ये किसने खुला छोड़ दिया? पता नहीं कौन आया होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ जांच करने के लिए ऐसा क्या है, एक आता और एक चला जाता है। लेकिन जो भी आता है उसका फायदा तो होता ही है, उसे जीवर के अंग्रेजी पीने को मिलती है, अच्छा खाना खा कर जाता है वो। अरे ये दरवाजा भी खुला छोड़ दिया, ये सब भी मुझे ही करना है। 4-5 महीने में एक ना एक तो आ ही जाता है, और इस बार ये आया है त्रिवेंद्र मेडिकल कॉलेज। हाँ पता नहीं ये क्या जांच करने वाला है, भगवान ही जाने भाई। और अब ये देखो है, वो भी खुला था और ये भी खुला पड़ा है, पता नहीं कौन खोल देता है। पता नहीं यहाँ के लोग इतने लापरवाह क्यों हैं। लंबा सफर, परेशानी का असर। हाँ
वैसे वो यहाँ क्यों आया होगा? शकल सूरत से तो देखने में वो सीधा साधा नहीं लगता। वैसे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चोर उचक्का हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे। क्या सच में उसकी वजह से कोई परेशानी? अरे वो खतरनाक निकला तो? अगर ऐसा हुआ तो मैडम को बताना होगा। अरे रे 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 रे। मैडम मैडम कहाँ हो मैडम? पता नहीं कहाँ चलेगी, एन मौके पे पता नहीं कहाँ चली जाती है। मैडम एक जरूरी बात है मैडम 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 कहाँ थे तुम अब तक? अरे मैं कहाँ जा सकता हूँ मैडम, त्रिवेंद्र मेडिकल कॉलेज से एक आदमी आ रहा है यहाँ जांच करने के लिए और मुझे वो फ्रॉड लग रहा था मैडम। अरे आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही हैं? अरे वो आदमी कभी भी पहुँचने वाला होगा। हे भगवान, अगर वो अभी के भी यहाँ पहुँच गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मैडम। वो जरूर इस हॉस्पिटल को बंद करने की फिराक में आ रहा है मैडम। तुम चुप करोगे? कौन? वो आदमी अंदर ही है। ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? बाप रे, तो इसने तो सब कुछ सुन लिया। मेरी काली जबान पर कब लगाम लगेगी ऊपर वाले? बेंजामिन डाइस। ये सब देखकर धोखा मत खा जाना डॉक्टर, ये वो नहीं है जो हम यहां करते हैं। बेंजामिन डायस, क्या आप यहां शॉक ट्रीटमेंट नहीं देते? एक्चुअली आई एम नॉट अगेंस्ट ईसीटी, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। दरअसल मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। तो तरीका क्या है आपका? डॉक्टर नायर, जिंदगी की कुछ कठिन वास्तविकताओं का सामना करने में जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं उनको यहां रखा जाता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी उन्हें घर पर रखने से घबराते हैं और उन्हें मेरे हवाले कर देते हैं। ऑफ कोर्स दे आर फिल्थी रिच, दे डंप मनी ऑन देम एंड आई बिल्ड दिस अ होम फॉर द माइंड। मैं समझा नहीं। Only an insane mind can understand another insane mind, isn't it? यहाँ रहने वाले सिर्फ मरीज नहीं है, they are my family. कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकाले जा सकते, यही उनकी इस हालत की खास वजह होती है। अगर वो पहलू मिटाए जा सके तो सब आसान हो जाता है। So, I erase the past. तो आपका तरीका यही है डॉक्टर, erase the past. इट वर्क्स डॉक्टर, हिप्नोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है। डॉक्टर, मेस्मर द्वारा शुरू की गई 16वीं शताब्दी की एक भ्रमपूर्ण कला को अवैज्ञानिक रूप से लिखा लेकिन उसे कूड़े में फेंकवा दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यस आई नो, लेकिन 70s में वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड थी। सजेस्टिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हिप्नोटिज्म काम करता है, और तुम मेरे जैसे इंसान को कभी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। किसी को पागल बनाने के लिए यही इस्तेमाल करते हो ना? मुझे हिप्नोटाइज करने की सोच रहे हो? Three.
क्या मुझे झपकी आ गई थी? सॉरी, मैंने बस ये साबित करने की कोशिश की कि यह काम करता है। लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे तरीके पर विश्वास नहीं हुआ। अगर तुमने खुद को देखा होता तो विश्वास हो जाता। हाँ, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे टोटकों में फंस जाऊंगा। जब मैंने यहां कदम रखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि यहां कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और वो मैं पता लगाऊंगा। श्योर, पहले थोड़ा खा पी लो। मैं यहां खाने पीने और आराम करने नहीं आया हूं। यहां की हर चीज मैं देखूंगा। क्यों, इजाजत है ना? नो प्रॉब्लम। रेणुका, प्लीज शो हिम अराउंड। चलिए सर। थैंक यू। डॉक्टर, अगर मुझे कुछ भी डाउट हुआ ना तो मैं रिपोर्ट करूंगा। एक मरीज, बस एक मरीज मेरे हाथ लग जाए ना, काफी होगा। ये याद रखना। सर, क्या मैं बैग पकड़ लूं? मॉर्निंग प्रोफेसर। कम इन, कम इन। हाँ, कैसी नींद आई आपको? सोई कि नहीं ठीक से? आप क्या बताऊं। सुनो, अपनी बेटी और बेटे से मिलने के लिए मैं न्यूयॉर्क से शिकागो के लिए निकला। मुझे जेएफके में 3 घंटे वेट करना पड़ा क्योंकि फ्लाइट लेट थी, और फिर यात्रा 5.5 घंटे की। उफ, तो फिर बताओ मैं कैसे सो पाता। Who the hell are you? Huh? I'm P. Subramanyam Iyer. I'm so glad to meet you, man. Sir, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? Yeah. Schadenfreude. Schadenfreude. आप जरा प्लीज मुझे इसका मतलब बता दो। चलिए। You लगता है आप जानते हो? You don't know? Schadenfreude. अरे सुनिए, कम से कम मुझे तो बता कर जाइए। एंड वेयर आर यू गोइंग? इफ ही डजंट नो, ही डजंट नो। Schadenfreude। तुमने वो लेटर फाड़ क्यों दिया? वो ऐसे ही लेटर लिखते रहते हैं। इस घर के कानून में कोई लेटर नहीं लिख सकता है क्या? प्रोफेसर के घर पर कोई है ही नहीं। बीवी और बच्चे शिकागो में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए बहुत साल पहले। हुसैन वाला पेंटर है। आपने मुझे यहाँ आते देखा था क्या? मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। आप कहीं छिपे थे क्या? हुसैन किसी के साथ बात नहीं करते। ये 4 साल से यहाँ हैं, लेकिन ये कभी बाहर नहीं गए। इनकी ये एक खासियत है, कभी कभी तो ये फ्यूचर की चीजें ड्रॉ कर देते हैं। ये कल ही ड्रॉ किया था। सर, आप समझे नहीं क्या? जैसा लोग समझते हैं वैसा यहाँ कुछ नहीं है। आइए, जब आप बाकी लोगों से मिलेंगे तब पूरी तरह समझ जाएंगे। सर, तिरुवनंतपुरम में कहाँ रहते हैं? वहाँ मेरी माँ का घर भी है। आपको पता है वो जगह मुझे तुम बहुत... गाइड करने आई हो, वही करो तो बेहतर होगा। सॉरी, आइए। हुँ.
इस तरफ। ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। आपको गलतफहमी हुई होगी। लेकिन मैंने, ये हवेली अंग्रेजों की बनाई हुई है। भले ही मुझे यहाँ आए 6 साल हो चुके हैं, मुझे यहाँ कभी कुछ नहीं सुनाई दिया। आइए सर। बाकी के मरीज कहाँ हैं? आइए, मैंने उन्हें हॉल में बुलाया है। दोबारा वो तमाशा मत करना जो तुमने ऊपर किया था। शांत रहना, चाहे वो कुछ भी पूछे, बस चुप रहना, ठीक है? अगर आप लोग को यहां कोई परेशानी है तो बिना डरे बताइए। मैं यहां ठीक हूं, यहां कोई कमी नहीं। दिस प्लेस इज बेटर देन पैराडाइज। सर, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? तुमने कहा था यहां 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। यस। अगर मैं कहूं कि 6ठा मरीज भी है तब तुम क्या कहोगे? ऐसा नहीं है डॉक्टर, वो 6ठा कोई मरीज नहीं है, वो मेरी बेटी है नित्या। वो चाहे जो भी हो डॉक्टर, मुझे उससे मिलना है, और वो भी इसी वक्त। नॉट एट ऑल, प्लीज। शी इज ऑटिस्टिक। किसने कहा ऑटिज्म एक बीमारी है? ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसके लिए तुमने एक लड़की को कैद करके रखा है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं बताता हूं। जरूरत नहीं है। खोलो इसे। क्या यह जरूरी है? आई वोंट सजेस्ट दैट। खोलो इसे। गरम खाना सबको है खिलाना। एंथनी इधर आओ। हाँ आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। हाँ अरे अरे, आराम से आराम से। आप जब यहाँ आए थे तो दिन था, लेकिन अब रात हो गई है, बस यही अंतर है।
सर आपको पता नहीं है, वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, पहले ही 4 लोगों को मार चुकी है। उसने आपके साथ तो कोई तोड़फोड़ नहीं की ना, शुक्र है आपके हाथ पैर सलामत है। हाँ सुनो, वो गर्म खाना रखा है, खा लेना और फिर सो जाना, गाड़ी सुबह जल्दी आती है। आप चाहो तो सीधे तिरुवनंतपुरम जा सकते हो, बाहर बहुत ठंड और बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ सोने चला आया। ये सब किस लिए एंथनी? सर आपका साथ देने के लिए आया हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सर मैं साथ देने आया हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक चलो भाई, बोरिया बिस्तर उठाओ। आपको जरूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ? मैं चला अपने कमरे में। जिस पल मैंने यहाँ कदम रखा, मेरा ध्यान किसी अजीब सी चीज ने खींच रखा है। यहाँ काफी चीजें रहस्यमयी हैं। यहाँ की इलाज करने का तरीका काफी पुराना और अवैज्ञानिक भी है। जब मैं बेंजामिन से पहली बार मिला तो उसने मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला और मुझे झपकी आ गई। बेंजामिन बहुत ही चालाक है और खतरनाक भी। उसने नित्या के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसकी बेटी है? Thank you.
कोई है क्या यहां? डॉक्टर आज पहली बार यहां कोई डॉक्टर आया है। किसी ने तुम्हें यहां आते हुए देखा तो नहीं ना? मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे यहां कैद करके रखा गया है। कोई आ रहा है, चुप जाओ। को यहां से जल्दी से छुड़ाना होगा, नहीं तो बेंजामिन पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। वो पहले ऐसी नहीं थी, यहां आकर पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें उसे बचाना होगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। नित्या यहां कैसे आई?
खोलो इसे। लेकिन सर खोलना जरूरी है क्या? है। एक बार बेंजामिन सर से पूछ लो। तुम खोलो तो सही। सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अगर तुम नहीं खोलोगे तो भी नौकरी जाएगी। इससे अच्छा है खोल दो। जय सर। मुझे बताना, मेरे पास सब कुछ है। मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊं। ठीक है, तुम्हें लेके आती हूँ। आती हूँ। जब मैं उसे दूंगी। आओ ना डॉक्टर। चलो तो, चलो मेरे साथ। What? डॉक्टर मुझे आपको कुछ दिखाना है। Where? ये देखो सर, डॉक्टर कनन नायर। नित्या, बेटी नित्या के चेहरे की चमक तो देखो डॉक्टर, ये उसके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद ही है। एक पिता के इलाज करने के तरीके से ही इसे इतनी परेशानी हुई। सिस्टर, रहने दो, अब इसे किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। यकीन ना हो तो डॉक्टर से पूछ लो। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी डॉक्टर आपको? नित्या कौन है उसके लिए ये पता करना मुश्किल नहीं है, इसीलिए वो यहां पर आया है। 5 years. It took me 5 years. 5 साल लगे मुझे नित्या की याददाश्त मिटाने में। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बट ही इज स्मार्ट। पहले के डॉक्टर्स में ये बात नहीं थी, पर मुझे इसमें कुछ तो खास लगता है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो नित्या ही नहीं, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। हाथ से तो तब जाएगा जब उसे कुछ हासिल होगा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। बस उससे जरा संभल कर रहना।
बेटी एक मिनट। हेलो, क्या तुम्हें नडक्कल कोविलकत के जयनारायण वर्मा याद हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। ये नित्या है, उनकी इकलौती बेटी। ओ हाँ, याद आया। Yes, we have met once. वो अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करने आए थे। He was very upset. मैंने उन्हें बताया था कि मार्शल आर्ट जैसे हुनर इन बच्चों के लिए काफी मददगार होंगे। ऑटिज्म इज नॉट अ डिसेबिलिटी, इट्स अ डिफरेंट एबिलिटी। हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरे बड़े भाई अब नहीं रहे, घर में भी अब कोई नहीं बचा। मरने से पहले भाई ने मुझे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे आपके पास छोड़ दूं। ये उनकी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा है। ये नित्या के नाम के सारे जायदाद के पेपर्स हैं, इसमें हाई रेंज वाले बंगलों के पेपर्स भी हैं। ये लीजिए, आप इन्हें नित्या के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पर भरोसा करके इसे उसके हवाले करने के लिए डॉक्टर आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। डॉक्टर, आज से आपको इसे अपनी बेटी की तरह रखना होगा। नित्या, मेरे कहने पर ही तुम्हें यहां लाया गया है। मैंने इसे संभाल कर रखा था, अब तुम मुझे वो कब दोगी जो मैंने तुमसे मांगा था? मुझे ये लगा कि यही है वो जो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा समझता था। दूसरों ने उसमें जो कमियां पाई, दरअसल वो उसकी काबिलियत को समझ नहीं पाए। नडक्कल नोबल्स ने एडनार्ड नाम की जमीन पर कब्जा जमाया। उसके बाद वो वंश आगे बढ़ता गया। उसमें बड़े भाई बलराम वर्मा, छोटे भाई शेखर, छोटी बहन लक्ष्मी और मैं। बड़े भाई जन्म से ही विकलांग थे और शेखर उसे बच्चों का सुख नहीं मिला था, इसी वजह से वो दोनों मुझसे जला करते थे। ये स्वाभाविक था। और मेरी बेटी जिसने पैदा होते ही अपनी मां को खो दिया, वो मानसिक रूप से विकृत थी। इसीलिए मेरे दोनों भाइयों ने मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की ठान ली। मेरे बड़े भाई और शेखर का विरोध करते हुए मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। जो हमेशा मेरा साथ देती थी वो थी मेरी छोटी बहन लक्ष्मी और उसका इकलौता बेटा विनय। मैंने नित्या के इलाज के लिए कई साल लगा दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे एहसास हो गया कि मैं उसे ठीक नहीं करा पाऊंगा। उसकी बीमारी की वजह से मेरा जो आत्मविश्वास खोता जा रहा था, उसे दोबारा हासिल करने के लिए मैंने और मेरी बेटी ने अपने आप को कलेरी की कला में झोंक दिया। उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी और फिर जो उसमें बदलाव आए उसने सबको हैरान कर दिया। और फिर मेरी उस बहादुर बेटी के लिए एक अखाड़ा तैयार किया गया।
हम सालों से बड़े भाई की कला देखते आए हैं, तुम्हें देखने के लिए ये लोग नहीं आए हैं, समझ गए ना तुम? तुमने अपनी बीमार बेटी को क्या सिखाया वो दिखाओ। हाँ बुलाओ उसे। सुनो, इनकी बेटी ने क्या सीखा है सबको पता चलना चाहिए ना। बुलाओ उसे, राजकुमारी नित्या को। जो पागल होते हैं ना, उन्हें लाड़ प्यार नहीं किया जाता, बांध के रखा जाता है और उनको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, समझ गए तुम? अच्छा सिखाया है, चिंता मत करो, दो मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसमें कितना हुनर है। अब शुरू होगा असली खेल। अरे लाठिया लेके आओ, उसके हाथ में दे दो, चलो लड़ो। ये कला सिर्फ दिखावे से नहीं आती, मेहनत करने से आती है। बिटिया रानी तू, राज दुलारी तू, आंखों का तारा तू, दुनिया मेरी सारी तू। बिटिया रानी तू, राज दुलारी तू, आंखों का तारा तू,
दुनिया मेरी सारी तू। ओ लाडली तू मेरा दिल जादू ही रे, तू ही हंसी तू ही खुशी मेरे लिए, सब कुछ हो तुम दुनिया जहां कहूं मैं क्या, तू मेरी धुन सुरताल तू गुड़िया। शैतानिया बदमाशिया प्यारी तेरी नादानिया, रहती सदा तेरी फिकर दिन रात भर। पापा कोई ना होगा गम, मिलेंगी अब खुशियाँ, संग तेरे मैं हूँ ना, संग तेरे मैं हूँ ना, तू मेरे आंगन की एक भोली चिड़िया, मुझे सबसे प्यारी बस तेरी ही खुशियाँ। मैं और भी ज्यादा खतरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हूं। आज का जानलेवा हमला एक चेतावनी थी, लेकिन एक बात तो तय है, वो लोग मुझसे अब डरने लगे हैं। कार्तिक तिरुनाल नित्यालक्ष्मी, क्या तुम्हें उस फोटो में से कोई याद आ रहा है?
क्या हुआ था उस दिन उस घर में? तुम्हें पता है किसने किया था वो सब? पापा, एक्सक्यूज मी, लिली नित्या यहाँ है, इसे रूम में लेकर जाओ। चलो आओ। चलो। सॉरी सर, इट्स बेड टाइम। यहाँ पर पेशेंट्स के लिए टाइम पर सोना और टाइम पर जागना जरूरी है। आप रूखे रूखे लग रहे हैं, बुखार है क्या? नहीं, टेम्परेचर सही है। आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहिए। आप ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल सीरियस, जरा सा भी नहीं हंसते। बेंजामिन सर ने मुझे कहा है आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखूं। आप बस इसे वेकेशन ही समझिए। आपको जो भी चाहिए तो मुझसे कहिएगा। सर, जब आप यहां से जाओगे तब तक आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद मुझे यकीन है आप यहां की अच्छी रिपोर्ट बनाओगे, इसलिए वो फाइल्स उन्हें दे दीजिए। रेनुका, तुम्हारी कोशिश बेकार है। यहां पर बहुत हिम्मत वाले आ चुके हैं पर यहां से वापस नहीं गए, ये भी याद रखना। मैं जो बोल रही हूं वो ध्यान से सुनो। ये जो डॉक्टर यहां आया है ना, कल यहां दिखना नहीं चाहिए, बस। लाइट चली गई। ओ, कल की बारिश और तूफान देखकर मुझे लग ही रहा था कि लाइट चली जाएगी। भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है, मैं क्या करूं? सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, सुबह टाइम पर नहीं उठे तो उस डॉक्टर की गालियां खानी पड़ेंगी। ये जिंदगी सेंट्रल जेल में रहने से तो अच्छी है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हाँ।
गुड मॉर्निंग सर। कल वो गार्ड आपको चावल की बोरी की तरह लेकर आया और उसने आपको यहाँ छोड़ दिया। मुझे तो लग रहा था आप चल बसे। फाइल ढूंढ रहे हो क्या? जरा खिसको खिसको। उस कंपैक्ट फाइल में कुछ भी नहीं है। टॉर्चर होने के बाद कोई ऐसा लिखता है कि मुझे टॉर्चर किया गया? कोई नहीं करता ऐसा। और एक आप हो जो मूर्ख की तरह उसके पीछे पड़े हो। सर अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो शालीनता से हाथ मिलाओ और निकल लो यहाँ से। आपसे पहले जितने डॉक्टर हैं उन्होंने ऐसे ही किया। आप खामा खा लफड़ा बोल ले रहे हो। उस फाइल को लेकर आप कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना चाहते? मेरे साथ आओ, मैं समझाता हूँ। सर पुलिस स्टेशन में भी इस मेंटल हॉस्पिटल की जबरदस्त धाक चलती है। बेंजामिन सर के टुकड़ों पे पलते हैं वो सारे पुलिस वाले। इसलिए कोई मूर्खता मत दिखाओ। वैसे भी आप एक सरकारी कर्मचारी हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस गार्ड ने भी आपको बिना लोड हुई बंदूक से डराया था, वो भी यहाँ के मरीजों में से एक है। ये ऊपर वाले, कहीं मैंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? सर अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना मैंने कुछ नहीं बताया आपको, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आ जाओ। दूसरा जानलेवा हमला इस बार इरादा जान से मारने का ही था। नित्या के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी खो चुके हैं। मैं नित्या को बेंजामिन की क्रूरता भरी दीवारों से रिहा नहीं करा सकता, लेकिन मैंने उसे एहसास कराया कि मैं उसे यहां से जल्दी ही रिहा करा दूंगा। नित्या, नित्या,
ये निशान अब तक गया नहीं है ना। क्या तुम्हें याद है ये कैसे पड़ा था? उस दिन मुझे कितनी मार पड़ी थी, मुझे तो सब कुछ याद है। जब तक निशान फीका नहीं पड़ जाता तब तक तुम मुझे नहीं भूलोगे। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहीं भी तवज्जो नहीं देने देता, लेकिन हाइपर एक्टिव रहता है। उसका नाम जीवन है। एक बार जब वो कुछ पाने की चाह रखता है तो किसी भी हद तक जा सकता है। वो दोनों बहुत अच्छे साथी हैं। बहुत लंबे समय से दोनों की दोस्ती है। नित्या उसके लिए उसकी जिंदगी है और जीवन उसके लिए। डॉक्टर, हुसैन ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं। या कमिंग। ओ, आई एम ऑलमोस्ट फॉरगॉट। ज्यादा जोखिम मत लेना। कुत्तों को पता नहीं है कि तुम एक डॉक्टर हो। प्लीज ज्वाइन मी इन द इवनिंग इफ यू आर फ्री। किसी से मत कहना, बस मुझसे कहना, ठीक है? नहीं, समझ गए ना? नहीं, ध्यान रखना। जाओ। अरे सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से सावधान रहना। वैसे जब मैं यहाँ चलती हूँ ना, तो मुझे स्वर्ग और नरक दोनों दिखते हैं। ये बताओ, मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में? आप दोनों के अंत में हो, समझ गए ना? हाँ, नित्या को रूम में लेके जाइए। बस मेरी है। यू थिंक आई एम ऑल रॉन्ग, इजंट इट? नो डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, बस जरा सावधान रहना। सिक्सटी टू की चाइना वॉर में मैं भी शामिल हुआ था। एक पूरी बटालियन बुरी तरह से जल रही थी और मुझे खड़े होकर देखना पड़ा। उस दिन मैं भी वहां मरने वाला था, लेकिन एक आसाम के जवान ने मुझे बचा लिया। वो अभी भी मेरे साथ है। अब वो मेरा गार्ड है। कॉम्बैट न्यूरोसिस, इसे शेल शॉक भी कहते हैं। लड़ाई लड़ने वाले बहुत इससे प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसा जिसे
कभी दिमाग से नहीं मिटाया जा सकता, सिवाय एक मेंटल शॉक के। स्लोली इट टर्न्स इनटू न्यूरोसिस। अनचाही सोच दिमाग से अलविदा कह देती है। इस गार्ड में किया गया यह मेरा पहला परीक्षण था, एंड इट वॉज अ सक्सेस। ही इज माई लिविंग प्रूफ। अब ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इवन अ मर्डर, बिना किसी की परवाह किए। नित्या के साथ क्या किया? उसके घर पे वो कत्ल किसने करवाए थे? क्या वजह हो सकती है? इस बारे में आप कुछ बताएंगे डॉक्टर? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर इतने दिनों से ट्रीटमेंट के नाम पे नित्या को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? I have an uninvited guest, Doctor, a fox. मुझे बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है डॉक्टर। मैं भी चलूं? Sheep don't hunt, they are to be hunted. You finish your poison. Come on, Jack. सेन, तुम ये मेरे रूम में छोड़ आए थे। तुम बात नहीं करते हो ना? तेरी ये बरस रहे हैं देखा रिमझिम ये।
है सुंदर दिल, हाँ सबसे सुंदर दिल, जिस पे मैं अपना हूँ हारा पल पल दिल। जाओगे अब जहाँ भी हम साथ होंगे, तेरे लिए हम रात दिन हाजिर रहेंगे। अब तेरे संग संग उड़ रहा है मन मेरा, तेरी हवा में बहता है मन मेरा, मधुर खुशबू से भर गई मेरी सांसों का कारवा, मैंने मांगी जो मिल गई तू वही है दुआ। तेरे आने से दुनिया मेरी ये स्वर्ग सी हो गई, तुझको पा करके मेरी किस्मत में हर खुशी आ गई। बारिश बरसे बूंदों में मोती बरसे, छू लो इनको ये तेरे लिए मेरे लिए बरस रहे हैं। ये दिल का है दिल से है जोड़ जा रहा रिश्ता कोई नया, तू है सुंदर दिल, हाँ सबसे सुंदर दिल, जिस पे मैं अपना हूँ हारा पल पल दिल। This is all your fault. तुम्हें उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तुम उससे डर गए हो। कितनी शर्म की बात है। उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या तुम कुछ करोगे या नहीं? Yes. पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस 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 क्या है ये इक्कीस? देख बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप। तू इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, पता है तुझे? मैं तेरी शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा। पापा पापा पापा, और कौन याद आ रहा है तुम्हें? अचंटी 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 अचंटी, कौन है ये अचंटी? कौन? विनय, विनय। मेरी बात तू मानता क्यों नहीं है? कितनी बार समझाया तुझे, तुझे उसके बाल खींचने की क्या जरूरत थी? हैं? मैं सबको समझा समझा कर थक गया हूँ। तेरी तो क्या कहा था मैंने तुझसे, उसके करीब जाने की क्या जरूरत है बेवकूफ? चल चल जल्दी, बहुत अकड़ता है। चल चल शेखर। हाँ,
कितनी बार समझाया, पागलों से दूर रहा करो। बात समझ में नहीं आती। नित्या, ऐसा नहीं करते। चल बैठ जा। तू चल ना, सड़ यहां पर। जब एक दिन बड़ा हो जाऊंगा ना, तो तुम सबको देख लूंगा। पापा कहाँ हैं? देख बेटा, जितने तुम्हारे सपने होते हैं, जितनी ख्वाहिशें होती हैं, उतनी ही पलकों में बाल होते हैं। और जब भी तुम कोई ख्वाहिश करती हो तो पलकों से एक बाल गिरता है, तो तुम क्या करोगी बेटी? तुम उस बाल को लेना और अपनी हथेली में छुपाना और उसे किसी को भी दिखाए बिना सीधे पापा के पास लेकर आना। और फिर पापा क्या करेंगे? पापा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, है ना? और तुम्हें जो भी चाहिए होगा सब तुम्हें मिल जाए, ठीक है ना? हा? क्या है? चल वहां बैठ, चल, परेशान मत कर। बहुत अच्छा हुआ ये, इसके बाप की हत्या का आरोप इस पर ही आने दो। चारों तरफ जो तुम देख रही हो वो सब झूठ है नित्या। बेंजामिन तुम्हारे पापा नहीं है, वो तुम्हारा कोई नहीं है। बहुत सारे सच तुमसे छुपाए गए हैं। ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है।
मैं तुम्हें लेने आया हूं। ये सब भूल जाओ, तुम पहले ही कोशिश कर चुके हो। शी नीड्स हर पापा। पापा, जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। नित्या तो मेरे साथ ही जाएगी। अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। नेवर मेक प्रॉमिसेस दैट यू कैन नॉट कीप। अंडरस्टूड? डॉक्टर प्लीज जल्दी से ऊपर आइए। जीवन छोड़ो उसे। पास बताना, नहीं तो मार दूंगा। मेरी बात सुनो, मार दूंगा इसे मैं। जीवन मैंने कहा छोड़ो पास उसे। पास बताना। नहीं। अरे बेटा उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। क्या इसलिए तुम मेरे पास से चाकू लेके आए थे? मैडम इसे रोको ना। पास बताना, कह दिया ना पास बताना। चल मार के दिखा, मार। रेणुका आउट, आउट। पास मत आना, पास मत आना। रुक जाओ। I said stop it। पास मत आना। मार दूंगा इसे मैं मार दूंगा। जीवन क्या चाहिए तुझे? मैं दूंगा। पास मत आना, कह दिया ना पास मत आना। ये मेरी बात सुन। अगर ये तुम्हें ना चाहे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? डॉक्टर हो के पुलिस को इतनी बुरी तरह से मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? None of your business। लेकर जाओ इसे, ले जाओ। ठीक है, जाओ। नित्या मेरी है, नित्या बस मेरी है। Shut up। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे मुझे छोड़ो ना। नित्या मेरी है, नित्या मेरी है, मुझे छोड़ो। Hey, this is my hospital and that is my patient। यहां से चलोगी? Thank you.
नित्या 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 को देखा? वो कहीं दिख नहीं रही। डॉक्टर कहाँ है वो? डॉक्टर आपको पता है ना कहाँ पर है वो? कहाँ है? डॉक्टर लक्ष्मी 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 नित्या कहाँ है? मैंने पूछा नित्या कहाँ है? मैंने कहा था ना उसे यहां से छुड़ा कर ले जाना। कहा था कि नहीं बताओ। रेणुका नित्या कहाँ है? अगर तुम्हारा काम हो गया है तो निकलो यहां से। यहां सिर्फ 5 मरीज हैं और उनमें से नित्या कहाँ है? It's ready. Thank you.
डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां से चले जाओ। एक बार जो यहां कैद हो गया वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, उसकी मौत निश्चित है। हम ये अनचाही जिंदगी जी रहे हैं, किसी से जुड़ने का एहसास नित्या को देखने के बाद ही हुआ। हमारा अपना तो यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन नित्या के साथ ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, कैसे भी उसको बचा लीजिए। यहाँ फंसे लोगों को बचाना ईश्वर, बेरहमों के हाथों से बचाना, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना। डॉक्टर, कम। Hey man, वहां नहीं। I'm here. Come on, come on. अरे, मैडम, आप नित्या का क्या करने वाली हो? ये सब लो और जला दो इन्हें अभी। क्या है? मैंने जो कहा है वो करो। क्या हुआ कमला? नहीं नहीं कमला, कमला दरवाजा मत बंद करो। बताओ क्यों नहीं? हम डॉक्टर ऊपर। साये पर भरोसा करना, केवल साये पर। लुक इनटू योर शैडो, शैडन फ्राइड। गो। Wake up, doctor. It was all your fault. पहले तुम्हारे पास चॉइस थी, यहां से जा सकते थे लेकिन अब नहीं। यहां एक और पेशेंट है। कौन है वो? नित्या। She is my dream.
treasure. My little princess. अब तुम्हारी मैं वो हालत करूंगा जिसे तुम देखोगे happily. You are not listening to me, doctor. She has gone. Point. अब तुम उसे कैसे बचाओगे, कभी सोचा है तुमने? You think that I am insane, don't you? No. I am different. Sanity is my favorite saint. Come on. मैं आगे क्या करने वाला हूं इसका आनंद लो. It's a wonderful experience. Welcome home. सर, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अंदर है सर. चलिए सर. इस तरफ. सर, पता नहीं क्या देख रहे हैं. डॉक्टर, हम थिरु से आए सर्वे करने के लिए.
निड़क्कल कोविल की जो नित्या नाम की पेशेंट है ये उसका ट्रांसफर ऑर्डर है। ये है डॉक्टर एम के नायर। मूल धातु कन्नन नायर, हेड ऑफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम। नायर डॉक्टर एम के नायर, मूल धातु कन्नन नायर, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज। आई एम डॉक्टर कन्नन नायर, हेड ऑफ साइकेट्री मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू, पुट इट इन। एक आदमी मेरे नाम से यहां आता है और नित्या नाम की लड़की को लेकर चला जाता है, है ना? नाउ टेल मी, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो यहां आया था? क्या तुम्हारे पास कोई आईडी या फोटो है? कुछ तो होगा, कुछ भी। सर, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? यस। मुझे यहां क्यों लेकर आई? सर, विनय नाम है उसका, विनय। पांच दिन पहले मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री सेल वार्ड से भागा हुआ मेरा पेशेंट है। उसके बारे में सीधी भाषा में बताऊं तो वो नित्या का मंगेतर है। नित्या के पिता जय नारायण वर्मा की रिश्तेदार लक्ष्मी का बेटा विनय। सर, ये उसकी अटैची, ये उसकी टोपी, ये उसका कोट और ये उसका रिकॉर्डर भी। सर, मुझे पहले ही शक था कि वो कोई ना कोई चीटिंग करेगा। ये तो मेरे हैं। है? तुम लोग कभी अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं नहीं, ये हर अखबार में छपा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में। ऐसे लोग मुझे ही कीमत हैं। Come on, give me a break. He had delusions. Hallucinations. Paranoia, agitation. वो देखना जो है ही नहीं, खुद को चोट पहुंचाना, खुद में घाव बनाना, ये सब किस लिए? सालों पहले उसकी मरी हुई मां लक्ष्मी उसके साथ बात कर रही थी। It was a clear case of schizophrenia. अरे तुम कैसे डॉक्टर हो? एक आदमी में इतने सिम्टम्स देखने के बाद भी वो आदमी पागल है ये तुम पता नहीं लगा पाए? लंदन से मिली हुई डिग्री, आर्मी का मेडल, ये काफी नहीं था कि उसे हिप्नोटाइज किया? लेकिन सर, वो आदमी तो एकदम नॉर्मल था। उसे इसमें महारत हासिल है। जिस वक्त उसका इलाज चलता है उस वक्त भी वो सबको नॉर्मल ही दिखाई देता है। सर, यस। एक्सक्यूज मी मिस्टर कन्नन नायर,
पेशेंट इज ए डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर मत डालिए। अच्छा, माना अगर उस राजकुमारी को कुछ हो जाता है तो तुम ना तो उसकी गार्डियनशिप क्लेम कर सकते हो और ना ही कोविलाकुम की जायदाद पर अपना अधिकार जता सकते हैं। यह जगह जहां तुम अभी ऐसे जी रहे हो, 500 एकड़ की जमीन, तुम्हारी सारी जायदाद और तुम्हारे चमचों के साथ ये व्हीलचेयर भी, सरकार को तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा और फिर वापस गोवा। तुम्हें पता नहीं कितना सीरियस केस है, नित्या कातिल के साथ गई हुई है। कातिल? बल्कि एक नहीं, चार। कोविलकम की प्रॉपर्टीज के वारिस, बिना एक बूंद खून बहाए। डेंजरस। नित्या और अपने बीच वो किसी को नहीं आने देता। इसके बाप की हत्या का आरोप इस पर ही आने दो। चल जल्दी। ए चल। चल जा यहां से। अब क्या करें सर, कोई सुराग नहीं मिला। जरूर मिलेगा, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता। तक ही सीमित रहने वालों में से नहीं था, वो था तन्हाई में साथ निभाने वाला, यादों को रंगीन बनाने वाला, कल्पना को साझा करने वाला। प्यार
प्यार को कभी खत्म न होने देने वाला। एक अटूट रिश्ता बनने वाला, वो उससे बहुत प्यार करता था, वो उसके लिए जीता मरता था। मैंने ही उसका हाथ उसके हाथ में दे दिया, जीवन साथी बना दिया। वो जिसका नाम था विनय, वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में हो गए। नित्या और विनय, विनय तुम भागते रहो, चाहे तुम जितनी भी सीमाएं पार करो, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा।